पादन दिवस वर्गण जगह से लेकर के उत्कृष्ट तक उसके कितने भेद हैं, यहाँ पर ये सब वर्गणाएं बता रहे हैं। उसका प्रयोजन क्या है, केवल इस प्रकार पर एक एक परमाणु से अधिक हो सकते हैं यह दिखाएगा। लवण ने जीवकांड में तो पढ़ा था चैतन्य उसका कितना भेद है, उत्कृष्ट कितना भेद है, इन जगह से उत्कृष्ट तक बीच के भेद कैसे संभव हो सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इसको दिखाने के लिए इतना विस्तार किया है। तो यहाँ अपन कहाँ से जगन्य पादन वर्गणा, सबसे जगन्य शीघ्र शायद प्रस्थान के अंतिम समय में सबसे जगन्य पादन वर्गणा शक्ति कर्मोशी जीव की अपेक्षा है, और वहीं पर पुलित कर्मोशी जीव की अपेक्षा अंतिम समय की उत्कृष्ट पादन वर्गणा। इस प्रकार अंतिम समय से लेकर के पीछे द्विचरम त्रिचरम चतुष्चरम ऐसे समयों में जो जगन्य उत्कृष्ट पादरिबोध वर्गना है उसका वर्गन यहाँ क्या एक एक परमाणु बढ़ाते थे। तो जहाँ तक असंख्यात गुण श्रेणी रूप से मरण जहाँ से प्रारंभ होता है उस प्रथम समय तक आए, फिर उसके पीछे अब जो विशेषाधिक जीव मरते हैं उसका अंतिम समय है। जो प्रमाण होगा
वो छोड़ देना स्थान। दसवें समय में 1001 से लेकर के समझो 2000 तक है उत्कृष्ट वर्गना, 2000 है जगन वर्गना, 1000 है, तो यहाँ बीच का स्थान 1500 है समझो, वो आए यहाँ पर 12वें स्थान, तो वो छोड़ देना। अभी 2000 के बाद ही पढ़ा, उसके बाद का जो स्थान आया होगा वहाँ 9वें समय में, उसके आगे एक एक परमाणु की वृद्धि करना, निरंतर स्थान ग्रहण करना। हाँ, 2000 के बाद ही बढ़ाना अपने को, उसके 1500 तक, 16 से लेकर के 2000 तक ये पूर्ण रूप हो जाएंगे, वो छोड़ देना, फिर वो जो उसके निरंतर आए वो लेना। पुनः अन्य एक अवतारिक शरीर मिश्र सुख के परमाणु की वृद्धि होने पर अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणी मिश्र सुख के परमाणु की वृद्धि होने पर एक एक मिश्र सुख के परमाणु बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि होने पर सेचीय रूप से इतने ही अपुनरुक्त सेच रूप से कार्तव श्रेणी रूप से ऐसा मुझे लगता है। सेच रूप से ये शब्द बार बार आता है, अभी मांगे भी आया है ते सेवी रीते ये व्याख्यानाचरण से विशेषण के लिए ये स्थान का विशेषण है। सेचे रूप से इतने अपुनरुक्त स्थान लब्ध होते हैं, समूह रूप से किंवा से एक एक अधिक क्रम से ऐसा आ सकता है, ज्यादातर एक एक अधिक क्रम से ऐसा होना चाहिए श्रेणी रूप से। इस प्रकार एक पादप निपुण जीव के औदारिक शरीर में जितने औदारिक शरीर के मिश्र सोचे सहित परमाणु हैं उतने मात्र वृद्धि होने तक मिश्र सोचे सहित एक एक परमाणु बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि होने पर पुनः तेज शरीर और कार्बन शरीर के परमाणु मिश्र सोचे से बढ़ाने चाहिए। पुष्कर ऐसा क्या बढ़ाने चाहिए, विशेष अधिक मरण के अंतिम समय में दुष्ट स्पर्धक होता है। उसके समान है वो देना
अभी एक ही क्रम बता रहे हैं कि एक ही स्पर्धक होता है, अलग अलग वो वहाँ पर ये फर्क होता था ना, वो फर्क यहाँ नहीं है। लेकिन वहाँ पर फिर उसके आगे से वो जो पिछला जो है उसमें वो अलग होता था, तो यहाँ हमने ये सब बताया आगे विशेषाधिक में। अब होता है कि इसमें तो वो बता रहे कि एक ही स्पर्धक होता है, जहाँ पर अंतर आया तो वो द्वितीय स्पर्धक हो गया ना, फिर बीच में अंतर आया तो तृतीय स्पर्धक हो गया। लेकिन तो ऐसा ही यहाँ पर भी विशेषाधिक के पीछे पीछे जाएंगे ना, तो वहाँ पर वो अंतर का वर्णन नहीं किया उन्होंने, बोलता है कि नहीं अपने को बता रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने तो ये बताया कि यहाँ से आगे एक ही स्पर्धक जितने समय में विशेषाधिक हर समय पर उसका पूरा का मिलाप एक ही स्पर्धक किया। अब इससे नीचे उतारने पर एक ही स्पर्धक होता है, क्योंकि विशेषाधिक मरण के अंतिम स्पर्धक के साथ अब कौन सा वहाँ है, स्वयंभू रमन द्वीप के स्वयंभू नगेंद्र की पाठ्य दिशा में, बीच में जो पर्वत है ना स्वयंभू रमन द्वीप में, जैसे वामशोधक पर्वत है ऐसे वहाँ पर कर्मभूमि की मतलब अंतिम है, आड़ाई द्वीप के बाद मानुषोत्तर पर्वत है और उधर स्वयंभू रमन द्वीप में स्वयंभू नगेंद्र मतलब पर्वत है, तो उसकी पाठ्य दिशा में क्या है कर्मभूमि है, इसके इधर इधर की साइड में वो भूमि है, अब देखिए वहाँ बाहर की साइड में कर्मभूमि है, उस कर्मभूमि के प्रतिभाग में जो मूल थुअर और आर्द्रक आदि वनस्पति है, आदि में सदृश पात्र में बहुत वर्गणा तीन और आदि उपलब्ध होती है, प्रथम ज्यादा उपलब्ध होती है, पुनः इसके सदृश वर्गणा को ग्रहण कर, जो बारह गुणस्तर में विशेषाधिक के क्रम से लेके आए ना उसकी सदृश वर्गणा को ये वहाँ की ग्रहण करना कर्मभूमि के प्रतिभाग की, और वरंदर वहाँ मूल थुअर और आद्रक आदि में एक औदारिक मिश्र समुच्चय परमाणु बढ़ने पर अन्य पुनरुक्त स्थान होता है, दो परमाणु वहाँ क्रम से बढ़ते 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 जहाँ यहाँ की सदृशता हो सकती है वहाँ तक बढ़ाया बारह गुणस्तर में, फिर उसके समान जो यहाँ की वर्गना है पादर युगल वर्गना जो कर्मभूमि के प्रतिभाग में है वो लेना और फिर उसमें बढ़ाना एक एक अधिक, ये कर्मभूमि के प्रतिभाग में जो ये आद्रंग आदि है ना उसमें जो बादल निगत वर्गना है वो बारहवें गुणस्थान के विशेषाधिक के अंतिम स्पर्धक के साथ जो सदृश है वो लेकर के फिर उसके आगे बढ़ना। एक एक परमाणु बढ़ाते हुए जाना वहां पर, और यहाँ की वर्गना बारहवें गुणस्थान के वर्गना जो अंतिम स्पर्धक है उसके साथ जो सदृश वहां की वर्गना होगी कर्मभूमि की वो लेकर के फिर एक एक समय अधिक बढ़ाता है। दो परमाणु के बढ़ने पर दूसरा पुनरुक्त या कुछ भी करके एक एक परमाणु आदि पर गलत ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वो कहा कि ग्रहण करना ये एकदम विशेष बताते हैं इस प्रकार अनंत में भाग मात्र कर्म परमाणु बढ़ाने चाहिए।
इस प्रकार पूर्व विधि से एक जो प्रविष्ट कराना चाहिए, पुनः उसी में औदारिक तेजस व कर्म शरीर बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर अनंतानंत बादल निगोद जीवों के प्रविष्ट होने पर एक निगोद साधारण शरीर प्रविष्ट होता है। यहाँ पर एक जीव ने एक फूल भी पड़ा है तो उसके साथ में असंख्यात प्रमाण वो बादल में वो शरीर होते हैं और एक एक शरीर में अनंतानंद बादल में वो जीव होते हैं। तो एक जीव पड़ा है मतलब उसने सब पूर्ति कर दी वहाँ पर, ऐसा हमेशा वो बताते हैं जैसे आप अपनी वृद्धि करते वहाँ ये बताते कि एक फूल भी में असंख्यात प्रमाण ने वो शरीर है और एक एक ने वो शरीर में अनंतानंद जीव है और एक एक जीव के ये छह पुंज ऐसे, तो इस प्रकार उन्हें पढ़ते हैं। असंख्यात लोक मात्र शरीरों के कुलवी की भी निबोध संज्ञा दी है ना, कुलवी को भी निबोध दी वहाँ पर तो शरीर ही पढ़ा है। एक जीव प्रविष्ट कराना चाहिए तो उसी के मतलब एक जीव के साथ और भी जीव प्रविष्ट हो रहे हैं, कितना जीव प्रविष्ट हो रहा है अनंतानंद जीव प्रविष्ट हुए जाते हैं ना एक हाँ गया। इस प्रकार पूर्व विधि से एक जीव प्रविष्ट कराना चाहिए, पुनः उसी के औदारिक तेजस और कर्म शरीर बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर अनंतानंद बादल निगो जीव के प्रविष्ट होने पर एक निगोद साधारण शरीर प्रविष्ट होता है। हाँ एक शरीर बढ़ाया, एक जीव एक एक जीव करके अनंतानंद जीव बढ़ गए, फिर एक शरीर बढ़ गए तो एक शरीर में अनंतानंद बादल निगो जीव होते हैं। लेकिन वो एक कम ज्यादा हो सकते हैं ना, एक शरीर में जो अनंतानंद जीव है वो कम ज्यादा अनंतानंद होगी ना, वो इसके अपेक्षा से बढ़ाते हैं। तो आज जगह उत्कृष्ट में वो ये अंतर बताए कि पहले क्या संख्या में बाबा देखते हैं। असंख्यात लोक मात्र शरीरों के प्रविष्ट होने पर एक कुल भी प्रविष्ट होती है। हाँ एक बादल ने वो जीव बढ़ाया फिर अनंतानंद बादल जीव ने वो जीव बढ़ने पर एक ने वो शरीर बढ़ गया भाग मात्र औदारिक तेजस और कारमन शरीर परमाणु उद्गम के बढ़ाने पर एक जीव प्रविष्ट होता है। इस प्रकार अनंतानंद जीवों के प्रविष्ट होने पर एक साधारण शरीर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण निगोद शरीरों के प्रविष्ट होने पर दूसरी कुलवी प्रविष्ट होती है। इस प्रकार तीसरी चौथी और पांचवी आदि से लेकर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण कुलवियों की वृद्धि होने पर कर्मभूमि प्रतिभाग स्वयंभू रमण द्वीप की मूली के शरीर में एक बंधनबद्ध जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण कुलवियों को ग्रहण कर उत्कृष्ट बाधा निगोद बंधना को। यहाँ सब कुलवी आवले के असंख्यात भाग प्रमाण है एक बंधनबद्ध, लेकिन वहाँ पर जगत श्रेणी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण कुलवी होती है। अपनी जगन से उत्कृष्ट बादल निगोद वर्गना असंख्या गुण है, गुणकार क्या ही जग श्रेणी के असंख्या के भाग प्रमाण गुणकार है। कितने ही आचार्य गुणकार जो बारहवें गुण स्थान के अंतिम समय में होते हैं ना जगन बादल वर्गना और उत्कृष्ट बादल निगोद वर्गना जग श्रेणी के असंख्या के भाग प्रमाण मूल्यों को ग्रहण कर उत्कृष्ट बादल निगोद वर्गना हो गए, तो उसमें जग श्रेणी का असंख्या के भाग गुना हो गया ना। कितने ही आचार्य गुणकार कितने ही आचार्य गुणकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण होता है ऐसा कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता क्योंकि उत्कृष्ट बादल निगोद वर्गना में निगोदों का मूल्यों का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र ही इस चूलिका सूत्र के साथ विरोध आता है और सूत्र विरुद्ध आचार्यों का वचन प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होने पर अति प्रसंग दोष आता है। जितना बड़ा शरीर
सकते हो, मतलब जितना शरीर बड़ा था उतने पाजन में वो जीव ज्यादा जा सकते हो। निगुण शब्द कुंभियों का वाचक है ऐसा कहकर के यह प्रवृत्ता की गई है। अब बादल विधल गगनाई जगनियाई आवलियाई असंख्य जगी भाग में तो निबोधान है। इस चूलिका सूत्र का त्रिवेणिया चौबीस प्रकार व्याख्यान करते हैं। यथा निबोधान ऐसा कहने पर उसका निबोध जीव लेते हैं कुलमिया नहीं, आवलियाई असंख्य जगी भाग में तो ऐसा कहने पर घनावली के संख्या के भाग प्रभाव उनका होता है ऐसा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 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 शरीर पृष्ठवर घनावली के असंख्या के भाग से करने पर जगती बाधा निबंध करना किंतु यह व्याख्यान गठित नहीं होता क्योंकि सुगम निबोध वकनाय जगनियाय आवलियाय असंख्य जल भाग में तो निबोधाना यहाँ भी घनावली के असंख्या के भाग से उत्कृष्ट बाधा निबोध दर्गना के गुणित करने पर जगन सूक्ष्म निबोध दर्गना की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। ऐसा आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश के बल से सिद्ध है। अथवा आवलियाय असंख्य जति भाग में तो निबोधानम निबोधानम इस प्रकार यहाँ पर निबोध शब्द अंदरों में आवासों का वाचक लेना चाहिए क्योंकि ऐसा ग्रहण किए बिना उत्कृष्ट बादल निबोध गणना में एक बंधन पद असंख्यात लोक मात्र कुलविया पाई जाती है यह व्याख्या नहीं बन सकता है। और स्कंदों के अवयव स्वरूप रस रुधिर तथा मांस अंडरों का उससे पृथक रूप से अवस्थान पाया नहीं जाता। जो है पढ़ेगा अपन अंडर मिलते स्कंदों के अवयव स्वरूप रस रुधिर तथा मांस रूप अंडरों का अपने शरीर के इसमें जो रुधिर और मांस वगैरह होते हैं उसको अंडर का और अंडरों में आवास वगैरह होते हैं उससे जिससे एक स्कंद में अनेक बंधन बद्ध असंख्या प्रमाण कुलों की संभावना हो इसलिए यही अर्थ प्रधान ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस अर्थ के ग्रहण करने पर अवकशाय अवकशाय गुणश्रेणी मरण काल का उक्त गुण का विरोध को नहीं प्राप्त होता है क्योंकि असंख्या गुणित क्रम से मृत जीवों से अवशिष्ट रही आवली के असंख्या के भाग प्रमाण निबोधों में भी असंख्या प्रमाण कुलव्या उपलब्ध होती है। इस प्रकार यही यह 19वीं वर्गना कही गई है। मतलब उनको कहना क्या है कि आवली आए असंख्य निबोध का अर्थ क्या करना है निबोध करना कि कुलवी करना ये यहाँ पर प्रश्न है। तो आवलिया या असंख्य के भाग में तो ऐसा कहने पर घनावली के असंख्या के भाग प्रमाण उनका होता ऐसा ग्रहण करते हैं। आवली घनावली मतलब बहुत बड़ी हो जाती है ना, आवली का वर्ग कतरावली कतरावली का एक बार आवली से घना किया तो घनावली होता है, मतलब वो असंख्या असंख्यात में आती है। घनावली का प्रमाण जो है असंख्या बीज का संख्या का संख्या करता है तो वो कुलगुण का संख्या प्रभाव है ना। घनावली जो है वह कुलगुण का संख्या प्रभाव है। तो प्रत्येक शरीर उत्कृष्ट वर्गना को घनावली के असंख्या के भाग से गुणित करने पर जगन्य बाधा निबोध वर्गना होती है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। किंतु यह व्याख्यान घटित नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म निबोध सोम निबोध वगैरह है ना यहाँ पे घनावली के असंख्या के भाग से उत्कृष्ट बादल निबोध वर्गना की गुणित करने पर क्या हो जाएगा वहां पर जगन सूक्ष्म निबोध वर्गना की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। वहां पर भी आवली का अर्थ घनावली लेकर के करेंगे तो वहां पर घनावली के असंख्या के भाग से उत्कृष्ट बादल निबोध वर्गना की गुणित करने पर जगन्य सूक्ष्म निबोध वर्गना की उत्पत्ति का प्रसंग आता है परंतु ऐसा है नहीं तो
उनके भाग ओंकार क्या है, अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण, आदि सब उद्गार आपको बताने वाले हैं। ऐसा आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश के बल से सिद्ध है, अथवा अथवा करके दिया है आवली आय असंख्य इच्छते भाग में तो निबोधान। इस प्रकार यहाँ पर निबोध शब्द अंडरों और आवासकों का वाचक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्रहण किए बिना उत्कृष्ट बादल निबोध वर्गणा में एक बंधन बद्ध असंख्यात लोकमात्र पूर्वी पाई जाती, ऐसा कहते हैं कोई आचार्य, यह व्याख्यान नहीं बन सकता है। और उस कंधों की अवयव स्वरूप मतलब वो बताइए, एक अंतर में असंख्यात्मक प्रमाण पूर्वी होती है आवास में, असंख्यात्मक मतलब पूर्वी होती है, यह व्याख्या नहीं बन सकता है। और स्पंदों की अवयव स्वरूप रस रुधिर तथा मांस पंडरों का उससे पृथक रूप से अवस्थान पाया नहीं जाता, जिससे एक स्कंद में अनेक बंधन बद्ध असंख्यात्मक प्रमाण पूर्वियों की संभावना होवे, इसलिए यही अर्थ प्रदान में ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस अर्थ के ग्रहण करने पर कषाय वनस्पति मरण काल का उक्त पुल का विरोध को नहीं प्राप्त होता है। पहले जो अवले के असंख्या में भाग होने करते जाएंगे पूर्वियों को, तो पूर्वियों को पलकों के असंख्या में भाग होने का प्रसंग आएगा, तो यदि ऐसा लेते हैं तो वहाँ वो विरोध को प्राप्त नहीं होगा। वहां पर आवले के असंख्या में भाग का अर्थ बना होने का असंख्या में वो तो ग्रहण नहीं करना, ऐसा उन्होंने मना कर दिया। निबोध का अर्थ क्या लेना प्रश्न है, तो निबोध का अर्थ पुल भी लेना, और पुल भी लिया है तो पुलियों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण पुलवे होती है, ऐसा कहें एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण, अंडर अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण, आवास आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवे वगैरह होती है, तो वो कैसे करना, तो उसका यहाँ पर ये बता रहे हैं। यहाँ पर निबोध शब्द अंडर और आवासकों का भी वाचक किया, क्योंकि आवली के असंख्या में भाग मात्र अंडर और आवास है, ऐसा ग्रहण किए बिना उत्कृष्ट पात्र निबोध वर्गना में एक बंधन बद्ध असंख्यात लोक मात्र पुलविया पाई जाती है, यह व्याख्या नहीं बन सकता है। तो कोई आचार्य कहते हैं ना कि वहां पर उत्कृष्ट पात्र निबोध वर्गना में असंख्यात लोक, लेकिन वहां जगश्रेणी के असंख्यात विभाग से गुणा किया ना, फिर असंख्यात पादक निबोध वर्गणा में निबोधों का प्रमाण जगश्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र है, स्थूलिक सूत्र के साथ विरोध आता है। कितने आचार्य गुणकार आवले के असंख्यात विभाग प्रमाण होता है ऐसा कहते हैं, तो घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता, क्योंकि उसमें जगश्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र होते हैं, स्थूलिक सूत्र है उसके साथ विरोध आता है, और सूत्र विरोध आचरण वचन प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रसंग दोष आता है। निबोध शब्द पुलियों का वाचक है ऐसा ग्रहण करके यह प्रवर्तना की गई। अब इस चूली का सूत्र का कितने आचार्य इस प्रकार व्याख्यान करते हैं, इसकी जगश्रेणी का संख्या पे भाग पात्र को लिया होते हैं सगा ना पृष्ठ पात्र में बुद्ध वर्गना में जगश्रेणी का संख्या का भाग मात्र है, ये करके प्रतीत किया है गुणकर वही भी है, अभी आगे हम देखेंगे किसका कितना गुणकर है सब है ना, तो पुल भी उसका उत्कृष्ट पात्र जगनी पात्र में बुद्ध वर्गना से उत्कृष्ट पात्र की बुद्ध वर्गना कितनी गुणी है जगश्रेणी का संख्या पे भाग होगी। अब आगे बादल निबोध वर्गणा के ऊपर बताते हैं। बादल निबोध दंभ वर्गणा नाम उपरि ध्वशुण्ड दंभ वर्गणा नाम बादल निबोध वर्गणा के ऊपर ध्वशुण्ड दंभ वर्गणा होती है। उत्कृष्ट बादल निबोध वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जिससे ध्वशुण्ड वर्गणा की सबसे जघन्य ध्वशुण्ड
तीसरी ध्रुव शून्य वंदना की सबसे उत्कृष्ट वंदना होती है। अपनी जगत से उत्कृष्ट वंदना असंख्या ध्वनि है, उनका क्या है अंगुल के असंख्या के भगवान उनका है। शंका, उत्कृष्ट पादर निपुण वंदना में जगत श्रेणी के असंख्या के आक्रमण पूर्व्या होती है। जगन्य सूक्ष्म निपुण वंदना में आवले के असंख्या के आक्रमण पूर्व्या होती है। इसलिए उत्कृष्ट पादर निपुण वंदना से नीचे सूक्ष्म निपुण जगन्य वंदना अंतर के बिना होनी चाहिए। समाधान, यह उक्त शंका का परिहार करते हैं। बादर निबोध उत्कृष्ट वर्गना की जगत श्रेणी के असंख्याप्य भाव मात्र पूर्वियों में स्थित जीवों से सूक्ष्म निबोध जघन्य वर्गना की आवली के असंख्याप्य भाव मात्र पूर्वियों में स्थित जीव असंख्या गुण्य होते हैं, क्योंकि बादर निबोध वर्गना के शरीरों से सूक्ष्म निबोध वर्गना के शरीरों का गुणकार अंगुल के असंख्या के भाव प्रमाण पाया जाता है। प्रश्न क्या हुआ था, ये उत्कृष्ट बादल निबोध वर्गना में पूर्वे कितनी बताई जगत श्रेणी का संख्या का और जगन सूक्ष्म निबोध वर्गना में कितनी पूर्वियां बताई आवली का संख्या कम बताई ना, तो इसलिए वहां पर बीच में अंतर होना ही नहीं चाहिए। ध्रुव शून्य वर्गना जो बीच में आप बता रहे हैं ये जो बादल निबोध वर्गना है उसके अंदर ही वो सूक्ष्म निबोध वर्गना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो पूर्वे ज्यादा हुए उत्कृष्ट बादल निबोध वर्गना और उससे सूक्ष्म निबोध वर्गना जो जगह है उसमें तो तो वो लगातार ही उसके बीच का ही स्थान होना चाहिए। हाँ, ऐसा प्रश्न किया था उसने, तो उसका उत्तर कह दिया कि उसमें जो जीव भले पूर्वीय कम है लेकिन एक एक पूर्वी में जो निकोज शरीर और उसमें जो जीव जीवों की संख्या बताई है वो असंख्या कर दी अंगुल के असंख्या पे था उन्हें बताई उत्कृष्ट वर्गना की जगत श्रेणी के असंख्या के भाग मात्र पुलियों में स्थित जीवों से सूक्ष्म निबोध जगन वर्गना की आवली के असंख्या के भाग मात्र पुलियों में स्थित जीव असंख्यात ध्वनि होते हैं, क्योंकि बादल निबोध वर्गना के शरीरों से सूक्ष्म निबोध वर्गना के शरीरों का गुणकार एक पुलवी में जो निबोध शरीर होते हैं इसलिए वहां पर भले कम अवलिया होते हुए भी वो वर्गना इतनी बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि वहां शरीर अधिक है, शरीरों के आधार से उतने जो भी बढ़ गए अनंत अनंत जो उनका भी जो छह पुंज है वो भी बढ़ गए, इसलिए वो बड़ी नहीं करता शरीर जैसे थे जो बच्चा सब पुलियो पेशा सुखने उत्कृष्ट और निबोध वर्गने में व्यस्त है जहाँ पेशा सूक्ष्म निबोध वर्गने में व्यस्त है जीवन से जस्ट क्या तो जीवों का प्रमाण ज्यादा क्यों गए, क्योंकि निबोध शरीर भी ज्यादा है और वो एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं तो उतने जीव भी बढ़ गए ना, उतने उतने जीव भी बढ़ गए। कारण तो वो जगन पादर निबोध वर्गना आएगी, जगन सूक्ष्म निबोध वर्गना आएगी, जगन सूक्ष्म निबोध वर्गना आएगी, तो उसमें वो कुलवी इधर तो ये बड़ी दिख रही है पादर निबोध वर्गना, क्योंकि कुलियों की संख्या ज्यादा है, जगन श्रेणी की संख्या पे भाव, इसमें तो आवली की संख्या पे भाव, तो उससे तो ये छोटी होनी चाहिए ना, तो उसके पादर निबोध वर्गना के बीच में इसका भेद आना चाहिए सूक्ष्म निबोध वर्गना, इसलिए उसका अंतर न पड़ करके उसके लगातार ही भेद होने चाहिए, ऐसा शंका उठाएगी उसने। अथवा वहाँ रहने वाले अथवा करके दूसरा उत्तर देते हैं, वहाँ रहने वाले जीवों से यहाँ रहने वाले जीवों का गुणकार अंगुल के असंख्या के भाग में उपलब्ध होता है, शरीर अंगुल के असंख्या के भाग होने हैं या वहाँ रहने वाले जो जीव है शरीर ध्रुव सुन्न उद्धव वग्गणानुवरे सुमम निबोध वग्गण
अंक के मिलाने पर सूक्ष्म निगो द्रव्य वर्णना होती है। वह जल में, स्तर में और आकाश में सर्वत्र दिखलाई देती है, क्योंकि बादल निगोद वर्णना के समान इसका देश नियम नहीं है। एक पर भी पाए जाते निराधार पाए जाते आधार में सूक्ष्म निगोद वर्णना के लिए बादल निगोद वर्णना आधार से रहती है। लेकिन वो कहीं पर भी स्कंद वगैरह आधार से नहीं, ऐसे चल में स्थल में आकाश में तेज पर भी होती है, अपना जीव शरीर आधार हो गया ऐसा नहीं आधार आधार हो सकता है। सूक्ष्म जो है इतनी विशेषता है कि यह सबसे जघन्य सूक्ष्म निवोद वर्णना शब्दिक कर्मांशिक विधि से और क्षपित गुणमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगो जीवों के ही होती है, अन्य की नहीं, क्योंकि वहाँ जघन्य द्रव्य के होने में विरोध है। यहाँ भी आवली के संख्या के भाग प्रमाण कुलव्या होती है, एक एक कुलवे में असंख्यात रूप प्रमाण निगो शरीर होते हैं और एक एक निगो शरीर में अनंतानंद जीव होते हैं। सूक्ष्म निगो में आवली का संख्या तो अभाग्य बताए ना, उन जीवों में शब्दिक कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के संख्या में भाग प्रमाण ही होते हैं, शेष सब जीव शब्दिक गुणमान होते हैं। इन अनंतानंद जीवों में वो सूक्ष्म निगोदी जीवों में आए हुए जो शब्दिक कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव वो कितने होंगे आवली के संख्या में भाग प्रमाण होते हैं। इन अनंतानंद जीवों की औदारिक तेजस कारमान शरीरों के कर्म नोकर्म विश्लेषोच्चय परमाणु सुगुणों को ग्रहण कर सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्णना होती है। अब इसका कथन करते हैं। यथा औदारिक शरीर में एक विश्लेषोच्चय परमाणु के बढ़ने पर दूसरा पुनरुक्त स्थान होता है, इस प्रकार सब जीवों से अनंत अपने स्थान प्राप्त कर सब जीवों के औदारिक शरीर विश्लेषोच्चय के द्वारा उत्कृष्ट होने तक एक एक विश्लेषोच्चय परमाणु बढ़ाना चाहिए। पुनः उन्हीं जीवों के तेज शरीर के ऊपर सब जीवों से अनंत पुण्य स्थान प्राप्त कर विश्लेषोपचय के द्वारा इन जीवों के तेज से उत्कृष्ट होने तक एक एक विश्लेषोपचय परमाणु बढ़ाना चाहिए। पुनः उन्हीं जीवों के कारमा शरीर के ऊपर सब जीवों से अनंत पुण्य स्थान प्राप्त कर विश्लेषोपचय के द्वारा उसके कारमा शरीरों के उत्कृष्ट होने तक एक एक विश्लेषोपचय परमाणु बढ़ाना चाहिए। जैसे परमाणु से युक्त अन्य जीव के सब जीवों से अनंत अपने स्थानों का अंतर देकर यह अन्य स्थान उत्पन्न होता है, पुनः निरंतर स्थान उचित है। इसलिए इस विश्लेषोपचय से एक अवतारिक परमाणु को बुद्धि के द्वारा पृथक स्थापित करके पुनः एक परमाणु विश्लेषोपचय मात्र से ही पहले अवतारिक शरीर पहले के अवतारिक शरीर पुंज में पहले निकाले हुए परमाणु के मिला देने पर एक परमाणु अधिक होकर अन्य पुनरुक्त स्थान होता है। पुनः एक विश्लेषोपचय परमाणु की वृद्धि होने पर अन्य पुनरुक्त स्थान होता है, दूसरे विश्लेषोपचय परमाणु के बढ़ने पर दूसरा पुनरुक्त स्थान होता है, तीसरे विश्लेषोपचय परमाणु के बढ़ने पर तीसरा पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक एक परमाणु अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर विश्लेषोपचय परमाणु पुनरुक्त के बढ़ने पर इतने ही अपुनरुक्त स्थान होते हैं। इस प्रकार बादल निगोद वर्णना की बढ़ाने की विधि के अनुसार औदारिक तेजस कारमा शरीरों के विश्लेषोपचय सहित अभव में से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवें भाग मात्र परमाणु कुबलों के बढ़ने पर एक सूक्ष्म निगोद जीव को प्रविष्ट करना चाहिए। इस प्रकार बादल निगोद वर्णना के बढ़ाने की विधि के अनुसार अनंतानंत सूक्ष्म निगोद जीवों के प्रविष्ट होने पर एक साधारण निगोद शरीर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों के प्रविष्ट
अवलिक संख्या पर भाग प्रमाण तुल्यों के बनने पर जल में व स्थल में सूक्ष्म निगम वर्गना स्वस्था न पुष्ट होती है, उत्कृष्ट होती है, कई वर्ग अपने स्थान में उत्कृष्ट होती है। यहाँ जैसे कोई फिक्स स्थान बताए ना, ऐसा आप नहीं बता सकते। अरे जगन्य सूक्ष्म निगत वर्गना में भी आवली के असंख्यक भाग प्रमाण पूर्वी और उत्कृष्ट में भी उतनी पड़ा है। बता इस सूक्ष्म निगत वर्गना के साथ महामत्स्य के शरीर में सूक्ष्म निगत वर्गना समान होती है। पहले की सूक्ष्म निगत वर्गना को छोड़कर इसके समान महामत्स्य के शरीर की सूक्ष्म निगत वर्गना को ग्रहण कर पुनः इसके ऊपर पूर्व विधि के अनुसार आवली के संख्या में भाग प्रमाण पुलियों की वृद्धि होने पर महामत्स्य के शरीर में एक बंधनबद्ध छह जीव निकायों के संघात में उत्कृष्ट सूक्ष्म निबंध वर्गना दिखाई देती है। यहाँ आवली के संख्या में महामत्स्य के शरीर में एक बंधनबद्ध क्या है, छह जीव निकाय सब जीव होते हैं ना उसमें, जिसमें आया जा रहा है एक मतलब वो महामत्स्य का शरीर बड़ा है ना, उसमें वो पृथ्वी का एक जीव भी जमा हो जाते हैं, मिट्टी जमा हो जाती है उसके ऊपर, फिर वहाँ पर वृक्ष भी उठते हैं, वहाँ पर हिरण सिंह आदि भी प्राणी उठते हैं, जंगल सा हाँ जंगल सा बन जाता है उसके। वहाँ पर से इतना बड़ा शरीर है जिसमें पूरा बन सब होते 12,000 12.5 करोड़ योजन, तो उस पर ये सब छह निकाय जीव होते हैं, तो उसमें सूक्ष्म निगम वर्गना भी होती है। यहाँ आवली के असंख्या में भाग प्रमाण कुलमियाँ हैं और एक एक कुलमी के असंख्या को प्रमाण निगोज शरीर में अनंत अनंत जीव, यहाँ गुणित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के असंख्या में भाग प्रमाण ही होते हैं, शेष सब जीव गुणित गुणमान होते हैं क्योंकि ऐसा स्वभाव है। शब्द कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक वो आवली के असंख्या में भाग प्रमाण ही है जीव लिए। अब जगत में सूक्ष्म निबोध वर्गना से लेकर उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना पर्यंत सब जीवों से अनंत गुणे निरंतर स्थान प्राप्त होकर एक ही स्पर्धक होता है, क्योंकि मध्य में कोई अंतर नहीं है। वो उन्होंने पहले किया था ना अंतर देख करके वो दूसरा स्पर्धक किया था ना, ऐसा अंतर नहीं है। हम यहाँ के समस्त जीवों के अंतर होने पर भी उन्होंने निरंतर स्थानित ग्रहण किए, लेकिन वैसे अंतर यहाँ नहीं होता है। अब यहाँ के समस्त जीवों के अवधारित तेजस और कर्म शरीर के कर्म और मकर्म विश्लेषोपचय सहित सब परमाणु को ग्रहण करके उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना होती है। यहाँ जगन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना असंख्या बनी उनका क्या है, पल्ले का संख्या का भाग उनका ही, इस प्रकार यह 21 सभी वर्ग महावंश का जो दिया है वो तो मतलब उसके आधार से थोड़ी ना रहते हैं सूक्ष्म जो है, पर उतना बड़ा वो उसका ऐसे ही बनाना चाहिए। सूक्ष्म ने बहुत वर्ग ना उसमें दिखाई देते ऐसा बोल रहे ना, जीव ने जीव छह जीव एक के संघात में वहाँ पर एक बंधन बंधन से सूक्ष्म ने बहुत जीव जो है ना वो आधार से भी रहते हैं निराकार भी रहते हैं, तो अपने इसमें शरीर में भी सूक्ष्म निबोध वर्गना भी है बाधक निबोध वर्गना भी, लेकिन वो सूक्ष्म निबोध वर्गना अपने से ये नहीं लेना अलग ही लेना उसको, ये सूक्ष्म निबोध वर्गना ले ले रहे ना महामत्स्य के शरीर में, महामत्स्य का शरीर नहीं लेना महामत्स्य के शरीर नहीं लेना वो तो बाधक है। हाँ बाधक निबोध वर्गना वही जगह वो कुछ ऐसा नहीं है।
द्रव्य वर्गणा के ऊपर ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। सूक्ष्म युगल वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर चौथी वर्गणा की सबसे जघन्य वर्गणा होती है। ध्रुव शून्य वर्गणा तीन हो गए ना, प्रत्येक शरीर वर्गणा की पहली अस्तित्व है, पादन युगल वर्गणा अस्तित्व है, इसीलिए तो शून्य का है ना, होता ही नहीं जगत में, इतने परमाणु का पुंज नहीं है, होता है इसका तो नहीं। आगे तो अनंतर एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंतर स्थान जाकर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। यह जगत में से उत्कृष्ट संख्या ध्वनि है, उनका क्या है जगत प्रत, जगत प्रकार संख्या बाबा उनका जो कि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। इस प्रकार यह वायुश्री वर्गना करी ध्रुव शून्य वर्गणा अनुवरी महाखंड दव वर्गणना अंतिम स्कंद वर्गना। ध्रुव शून्य वर्गणा के ऊपर महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर सबसे जघन्य महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। अनंत एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत होने स्थान जाकर उत्कृष्ट महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। यह जगन से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? सबसे जगन्य महास्कंद वर्गणा में पहले क्या संख्या के भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे ना विशेष का प्रमाण ही यहाँ उपयोगी पढ़ने वाली गाथा। महास्कंद एक बार एक समय में एक ही होगा, लेकिन कभी उसमें परमाणु अधिक होंगे कभी ज्यादा, इस अपेक्षा से जगन उत्कृष्ट भेदी आएगी। तीन लोग को व्याप्त करेगा, परमाणु की संख्या जो है उसकी महास्कंद की वो घट बढ़ सकती है ना, तभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो महास्कंद में से निकल गया और दूसरे वर्ग में जाकर के मिल गए परमाणु, तो छोटा हो गया ना महास्कंद। तीन लोग को तो व्याप्त कर सकते, उद्गम में कैसी शक्ति है वो अवगाहना बड़े बड़े हो, जैसे पर्वत है समझो वो कम ज्यादा होता है क्या, लेकिन उसके परमाणु कम ज्यादा हो सकते हैं ना, उसमें से निकल के जाते हैं आते हैं, अपना शरीर है इसमें भी वो आते जाते हैं ना, तो उसके अपेक्षा से कम ज्यादा होते हैं परमाणु। सब जीवों से अनंत होना है।
प्रत्येक शरीर वर्गना का उनका पहला संख्या तो भागी जगह प्रत्येक शरीर वर्गना से उत्कृष्ट शरीर पर वर्गना पहला संख्या तो भागू नहीं है। दूसरी ध्रुव शून्य वर्गना में उनका अनंत होते हैं। स्थूल निगुण वर्गना का उनका आगे दिखते हैं। इसका उनका चतुष श्रेणी का संख्या वर्गना में तो पाता नहीं होता है। इसका उनका चतुष श्रेणी का संख्या तो भागी। तीसरी शून्य वर्गना का उनका अर्धुल का संख्या तो भागी। सूक्ष्म निगुण वर्गना में उनका पहले का संख्या तो भागी। चौथी शून्य वर्गना का उनका जगत जगत प्रत्यय का असंख्या का असंख्या इन सब वर्गनाओं के उनका अपने जगत से उत्कृष्ट भेद लाने के लिए जाने तथा महास्कंद में अपने जगत से अपना उत्कृष्ट प्रयोग संख्या का भाग अधिक है। इस प्रकार यह एक श्रेणी वर्गना की प्रवृत्ति की एक श्रेणी वर्गना में लगातार एक 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 परमाणु बढ़ाते हुए जितने वर्गनाएं बढ़ाई जा सकती है संभावना शक्ति की अपेक्षा से वो सब बढ़ता है। अब ऐसा प्रयत्न ही है ऐसा नहीं और यहाँ पर नाना समय वर्गना का आगे वर्णन करते हैं। नाना श्रेणी की अपेक्षा को रुकना की आगे है कभी अभी नब्बे बजे नाना श्रेणी वर्गना की प्रवृत्ति करते हैं। मतलब कितने हो सकते हैं एक साथ एक समय में कितने हो सकती है परमाणु वर्गना कितनी होगी। अब वो जाति की अपेक्षा से एक ही हुई लेकिन वो कितनी होगी वो बता दो। अब नाना श्रेणी वर्गना की प्रवृत्ति करते हैं परमाणु उत्तर वर्गना से लेकर सांतर निरंतर वर्गना की उत्कृष्ट वर्गना तक इन वर्गनाओं की सदृश धन वाली वर्गनाएं अनंत उद्गल वर्गमूल मात्र होती है। उद्गल की जो राशि होगी उसका जो वर्गमूल होगा कितने लेना अनंत उद्गल राशि का वर्गमूल कितने उसके वर्गनाएं हो सकती यहाँ से लेकर परमाणु से लेकर द्विप्रदेशी वर्गना ऐसे कितने होगी अनंत पुत्र के वर्गमूल मात्र होंगे। जगन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गनाए सभी परमाणुक लक्षण से आए हुए वायु के उनके अंतिम समय में वर्तमान काल में चार होती है। ज्यादा से ज्यादा चार नहीं पाए चाहिए तथा उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गनाए गुणित कर्मोक्षी लक्षण से आए हुए अयोगी केवली के अंतिम समय में दो होती है। मध्यम जीव तो होंगे ऐसे गुणित कर्मोक्षी वाले जीव जो है वो सबसे ज्यादा जिसका संचय वो जीव एक एक ही समय में तो होंगे हो सकते हैं तब होंगे ऐसा नियम है हो सकते हैं। हाँ मध्यम प्रत्येक शरीर उत्कृष्ट प्रत्यक्ष वर्गना भी कितनी होगी दो हो सकती है और मध्यम प्रत्यक्ष वर्गना जो है वो कितनी होगी आठ प्राप्त होती है। अब अंतिम अयोग्यवली के अंतिम समय में तो एक श्रेणी रूप से कितनी बताई आनंद बताई उस लेकिन वो सब नहीं पाई जाती है एक साथ पाई जाएगी तो कितनी पाई जाएगी। सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गनाएं वल्लरी दाह के समय महावन दाह के समय या देवलोक झाड़ी में पल्ल के असंख्या के भाग क्रमण प्राप्त होती है। वर्तमान काल में अजगन्य अनुकृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गनाएं असंख्या को क्रमण प्राप्त सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना कितने पल्ल के असंख्या में भाग क्रमण प्राप्त हो सकते एक समय में पाई गई तो ज्यादा से ज्यादा वो कितनी पाई जाएगी पल्ल के असंख्या में भाग बादल निगुण वर्गनाएं वर्तमान काल में अजगण्य अनुकृष्ट प्रत्यक्ष वर्गनाएं असंख्या तो क्रमण प्राप्त होती है। बीज की वर्गना कितनी एक साथ प्रत्यक्ष वर्गना कितनी हो सकती है असंख्या तो प्रमाण
बोली ना, मिलन आठ प्रकार के जीव बताए, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वो कितने हैं? सबसे ज्यादा असंख्यात प्रमाण ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और आगे उन आदि को जल स्क्रीन है, उसमें जल व्रत का संख्या चला था, और केवली तो संख्या की है, इसमें सब बाल प्रत्यक्ष वर्गण कितनी पाई जा सकती है एक साथ असंख्या के मध्यम उत्कृष्ट सब मिला करके कितनी पाई जा सकती है असंख्या दो उत्कृष्ट कितनी पाई जा सकती है पहले क्या संख्या के जगह कितनी पाई जा सकती है वहां पर आए हुए के अंतिम समय में चार पाई जा सकती है एक साथ वो वर्गना ही कितनी पाई जा सकती है नाना श्रेणी में बताया बादल विभूत वर्गनाए क्षीण कषाय के अंतिम समय में जगत में चार उत्कृष्ट दो मध्यम आठ प्राप्त होती वो उत्कृष्ट बादल विभूत वर्गनाए की जो भेद है उतने सब में मिला करके आठ है वो उत्कृष्ट बादल विभूत वर्गनाए मूलक वर लता आदि या वर विदर आदि आठ प्रकार के मध्यम हो सकता है कोई भी भेद हो वो एक ही पाया जाए
शंका, असंख्यात योजनों का अंतर देकर स्थित हुए भूगोलों का एकत्व कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि एक बंधन बद्ध सूक्ष्म भूगोल स्कंदों से समवेत भूगोलों का अंतर नहीं पाया जाता। ये प्रश्न क्यों किया? असंख्यात योजनों का अंतर देकर, ये जो पूरा महास्कंद है ना, सब आठों पृथ्वी, मतलब नीचे की सात पृथ्वी, स्वर्ग के विमान, ये जो पर्वत जो भी है, पूरा तीन लोक में एक बंधन से बद्ध हो ऐसा महास्कंद लेना है। तो बीच में तो अंदर कितना दिखाई दे रहा है, असंख्यात वजन होगा, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच का, यहाँ विमानों के बीच का कितना अंतर है, फिर भी उसको तो वहां पर सूक्ष्म स्कंदों से वो बद्ध है, वो बीच में अपने को दिख रहा है कि पोखड़ी पोखड़ी दिख रहा है, गैप दिख रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर दिख रहा है अंतर, लेकिन वो अंतर नहीं है, उसके बीच में सूक्ष्म विमान में सबको बदल महास्कंद में आते हैं।